नमस्कार दोस्तों, कोचा पेडो एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। हम वापस आ चुके हैं अपने इकोनॉमिक सीरीज के साथ। तो आज हम बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं और बहुत जरूरी बातें करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के बार पर जरूरी है ना, जहां से क्वेश्चन आपके फंसते ही है, हम आज वो बातें करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा मैं आपके लिए कि आज से जो है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे चालू होने वाला है। आप यहाँ लेक्चर देखेंगे, लेक्चर के एंड में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, आपको वो दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने हिसाब से, और उसके आंसर मैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में शुरुआत में ही आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर अपन चालू करते हैं। आज का लेक्चर जो अपन बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे अपन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आपने थंबनेल में वैसे ही देख लिया होगा कि आज क्या क्या चीज अपन करने वाले हैं। ये तो खैर ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है ही। इसके जस्ट बाद अपन पढ़ेंगे कर्व्स के बारे में, जो कर्व हमेशा आते ही एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में फंसता फिक्स है उसका, तो उसकी बात अपन करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स जानने के लिए आपको पहले ये जानना चाहिए कि डिबेंचर्स और इक्विटी क्या होते हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं, डिबेंचर होता है, या इसको आप बोल दीजिए डेप्ट, डिबेंचर या डेप्ट होता है, एक चीज ये होती है और दूसरी चीज होती है इक्विटी, इक्विटी या शेयर्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, ये चीज होती है। ठीक है, अब ये होती क्या है डिवेंचर। डिवेंचर को मैं इसको एक तरीके से आपको हिंदी में समझाने के लिए लिख देता हूं उधारी। ठीक है, ये उधारी होती है, उधारी। अब उधारी मैंने बोल दिया, मतलब उधारी का मतलब क्या होता है। डिवेंचर मतलब यदि आप किसी भी कंपनी को या किसी भी इंसान को पैसे दे रहे हो, ठीक है, बदले में उसने आपको कोई पेपर दिया कि ठीक है मैंने आपसे पैसे लिया है। मान लीजिए एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। ठीक है, अब ए ने बी को पैसा दिया, ए ने बी को पैसा दिया, उसके बदले में बी ने इसको कुछ पेपर दिया, इसको अपन कहेंगे डिबेंचर या डेब्ट। ठीक, एक पेपर दिया जिसमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा। ठीक है, मान लीजिए इसमें लिखा होगा 5% एनुअली लिखा होगा, और जो भी अमाउंट उसको दिया होगा वो चीज लिखी होगी। तो डिबेंचर का मतलब यही होता है कि अगर हम उसको उधारी दे रहे हैं, मतलब यहां पे सीधी सीधी बात अपनी तो ये आ जाती है ना कि यहां पे अपना जो प्रॉफिट है वो है फिक्स। प्रॉफिट फिक्स कैसे है, क्योंकि आपका जो पैसा आया है, मतलब आपने जो पैसा दिया है वो तो आपको पैसा मिलेगा ही, प्लस उसके साथ 5% का आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा हर बार। बातें क्लियर हो रही है आपको। डिबेंचर मतलब यही होता है, उधारी होती है। डिबेंचर का सीधे सीधा मतलब होता है उधारी। मैंने किसी को उधारी दिया, उसने मुझे पेपर दे दिया, वो एग्रीमेंट करके दे दिया कि हाँ ठीक है आपने मुझे उधारी दिया है, मैं इतने परसेंट में आपको पैसा लौटाऊंगा। बातें क्लियर हो गई यहां तक। ठीक है, इसी को अपन कहते हैं डिबेंचर्स। इसमें आपको प्रॉफिट होना ही होना है, यहां पे आपको लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, लॉस नहीं हो सकता। अब बात यह आ जाती है कि अगर आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई यहां पे कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना वो हमेशा कम ही होगा। मैं यहां भी एक चीज लिख देता हूं कि इंटरेस्ट जो आपको ब्याज मिलेगा वो कम होगा, 2-5% इस टाइप का आसपास होगा। ठीक है, बातें क्लियर हो गई यहां तक। अब हम दूसरी बात करते हैं इक्विटीज के बारे में। इक्विटी मतलब होता है शेयर। शेयर मतलब किसी ने, मान लीजिए मैंने ही एक कंपनी खोला, मैं यहां पे ए हूं। ठीक, मैंने अपना पैसा लगाया है 1,00,000 रुपए, मेरे साथ दूसरा आदमी लगा दिया 1,00,000 रुपए, बी, तीसरा सी जो है उसने भी 1,00,000 रुपए लगा दिया, तो हम तीनों ने मिला के उस कंपनी को 1,00,000 रुपए, मतलब उस कंपनी में 1,00,000 रुपए डाल के उस कंपनी को खोला। तो मतलब मेरे पास कितना शेयर आ गया, मेरे पास आ गया 1/3 शेयर, बी के पास कितना आ गया, वही 1/3 शेयर आ गया, और सी के पास भी 1/3 पैसा मतलब शेयर आ गया। तो हमको ये चीज समझ में आता है इक्विटी में कि हमने वहां पे अपना पैसा लगाया है। तो इसमें दो केस हो सकते हैं, पैसा लगाया है तो या तो हो सकता है प्रॉफिट, ठीक, या तो हो सकता है प्रॉफिट, बिल्कुल हो सकता है। दूसरी बात अगर करेंगे तो क्या लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर कंपनी चल गई तो अब मैंने जो 1,00,000 रुपए लगाया है वो 2,00,000 भी बन सकते हैं, 3,00,000 भी बन सकते हैं। तो मेरे पास कितना आ गया प्रॉफिट भाई, अब 100%, 200% देख लिए यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। लेकिन अगर लॉस होता है तो ये भी हो सकता है कि मान जो 1,00,000 रुपए लगाया है वो पूरा 0 पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आपको लॉस नहीं हो रहा था, लॉस नहीं हो रहा था, और यहाँ पे लॉस का बेशक खतरा है। तो ये वाला सीन क्या हो गया, ये वाला सीन जो डिबेंचर्स वाली बातें हो गई ये हो गई लो रिस्क, और इक्विटीज वाली बात जो हो गई वो हो गई हाई रिस्क।
ठीक है। अब हाई रिस्क है, हाई रिस्क है तो अब कोई भी आदमी अपना पैसा हाई रिस्क में क्यों लगाना चाहेगा? क्यों लगाना चाहेगा? क्योंकि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हाई होगा, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई होगा। मतलब आपने देख ही लिया इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, 100% आसपास मिल जा रहा है, 200% मिल जा रहा है। तो ये चीजें होती हैं इक्विटी और शेयर्स। आई थिंक यहां तक आपको सब चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे आते हैं अपन। म्यूचुअल फंड से अगर मैं बात करता हूं तो म्यूचुअल फंड्स में क्या चीज होती है कि अगर आप, मैंने अभी आपको यहां बताया कि डेप्ट होता है और वो होता है इक्विटी। आपने या तो इक्विटी ले लिया तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, पूरा पैसा उस पर डाल दिया। दूसरी चीज होती है डेप्ट पे डाल दिया तो आपको प्रॉफिट बहुत ही कम होने वाला, नॉमिनल होगा। तो क्या करते हैं म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड को आप एकदम आसान तरीके से समझिए कि ये एक डब्बा है, ठीक है। ये एक डब्बा है जिसको अपन बोलते हैं पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, ठीक है। अब क्या किया मैंने इसमें, अब क्या किया कि इसमें मैंने 5 डेप्ट डाल दिए, ठीक है। 50 मान लीजिए 50% डेप्ट डाल दिया डिबेंचर, ठीक है, और 50% मैंने डाल दिया शेयर्स, मतलब इक्विटी। 50% शेयर्स डाल दिया, 50% डेप्ट डाल दिया। अब आप मेरी बात को समझिएगा, अगर मैं वहां 5% के हिसाब से भी चल रहा था, मान लीजिए डेप्ट है अपने 10 कंपनी के हैं और 10 कंपनी के लगभग समझ लीजिए आप 10,000 रुपए हैं, ठीक है। तो अब 10,000 का 5% के हिसाब से आपका एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद आपको इसका 5% मतलब हो गया 10, हाँ ठीक है, 10,500, ठीक। आपको एक साल के बाद 5 रुपए आना तो फिक्स का फिक्स है, ये तो आपका इनकम आ ही रहा है, ठीक है, ये तो आपका ही रहा है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर आप शेयर्स की बातें करते हो, शेयर्स आपने खरीद रखे हैं 10,000 के, ठीक है, 10,000 के खरीद रखे हैं, और 10,000 में भी अलग अलग कंपनी के लिए हुए। एक में मैंने ले लिया है मारुति सुजुकी का, अभी अच्छी चलती वाली कंपनी है तो इसके शेयर्स तो हाई होंगे भाई, इसके शेयर्स तो हाई होंगे। इसका जो मुझे परसेंट मिलेगा वो समझ लीजिए आपको आसपास समझ लीजिए 10% का प्रॉफिट मुझे इस पर मिल रहा है, ठीक है, एक शेयर पे। बात समझ में आ गई, 2,000 का मैंने मारुति सुजुकी का खरीद लिया। अब दूसरी बात, मैं जियो का खरीद लेता हूँ, जियो का मैंने खरीद लिया 5,000 का, तो 5×2=7 हो गया, तो जियो भी अच्छा खासा चल रहा है भाई, अभी के टाइम पे तो और चल रहा है, तो उसमें मुझे कम से कम समझ लिया 50% का प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है, बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज मैंने ये ले लिया, तीसरी चीज मैं कोई भी एक लॉस वाली कंपनी में गलती से लगा ली, क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाली थी, तो मैं एक लॉस वाली कंपनी सस्ते में भी मिल रही थी और हो सकता था कि उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो मैंने कोई भी कंपनी समझ लीजिए अलीबाबा, अलीबाबा पे मैंने लगा दिया, अलीबाबा पे लगा दिया मैंने। अब चाइना की कंपनी है, सब लोग चाइना छोड़ के भाग रहे हैं, तो इसमें मुझे हो गया 50% का लॉस, ठीक, 50% का लॉस हो गया। तो आप अगर ओवरऑल देखोगे तो मुझे यहां भी प्लस मिल रहा है, यहां भी प्लस मिल रहा है, लेकिन यहां लॉस मिल रहा है। तो कुल मिलाकर जो अपनी चीजें आती है वो आती है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आती है, मतलब अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है सब चीज मिक्स करके चले गए तो। इसी चीज को अपन कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। आपने डेप्ट को भी मिलाया, आपने शेयर को भी मिलाया, रेशियो आपके ऊपर है। मैंने 50-50 लिया, आप इसको 20 कर सकते हो, उसको 80 कर सकते हो, रिस्क बढ़ जाएगा, ये हाई रिस्क है लो रिस्क है। आप इसको 80% करोगे, इसको 20% करोगे तो रिस्क एकदम कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट भी आपका कम हो जाएगा। बातें समझ रहे हो आप, बातें समझ रहे हो ना, यही चीज होता है। हो सकता है कि ये तीनों भी लॉस में चले जाते, हो सकता है कि ये तीनों भी लॉस में चले जाते, तो लेकिन ये पैसा तो अपने पास आ रहा है ना। अगर मैंने अपना पूरा 20,000 उसमें डाल दिया तो मैं तो डूब गया रहता, लेकिन यहां से तो मेरा पैसा आ रहा है। इसी चीज को कहते हैं म्यूचुअल फंड्स, जहां पे डेप्ट जो होता है मतलब उधारी और भागीदारी शेयर्स, इन दोनों को मिला के किसी रेशियो में डाला जाता है ताकि अपना जो लॉस है वो कम हो जाए और प्रॉफिट ज्यादा दिखे, उसको अपन कहते हैं म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। बातें क्लियर हो गई यहां तक, चलिए आगे कर्व्स पर बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए कर्व्स पर बढ़ते हैं।
ठीक है, कर्व्स पे बढ़ते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं सिर्फ मैं आपको वही पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो आपको जानना चाहिए वही बताऊंगा और एकदम डिटेल में बताऊंगा, और कोई और कहीं पढ़ने की ना कहीं जाने की जरूरत है आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो होता है आपका बेवरेज कर्व होता है, बेवरेज, ठीक है, पहला जो होता है बेवरेज कर्व होता है, ठीक। अब इसमें आपको क्या चीज जानने की जरूरत है जो आपके एमसीक्यू में फंसेगा, ठीक है। अगर नॉर्मल पीएससी के बारे में बात करें सिर्फ वो यही पूछ सकता है कि ये कर्व क्या चीज को शो करता है। अगर अपन हाई लेवल पर जाते हैं, यूपीएससी वगैरह के लिए जाते हैं, तो उस केस में वो क्या दिखाता है, कहां से कहां उसका रिलेशन हो सकता है, आप मेरे क्वेश्चन में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वो चीज, ठीक है। तो अपन सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं इसमें, बेवरेज कर्व जो होता है वो किसके इसके बीच होता है, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी वर्सेस वैकेंसी, मतलब किस कहीं भी किसी भी कंट्री में कितना वैकेंसी है और कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बेवरेज कर्व जो है उसको दिखाता है। अब कैसे दिखाता है वो देख लेते हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पे मैं लेके चलता हूं अनएम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को, और नीचे में लेके चलता हूं मैं वैकेंसी को, ठीक है। तो इसका जो कर्व बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब ये कर्व क्या, कर्व के लिए मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। कर्व का मेन जो आपको जानने लायक है सिर्फ वो समझ लीजिए, अगर इस टाइप का आपको कर्व दिखता है, मतलब वो दोनों जो फिगर्स है ना, जैसे ये एक्स फिगर है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, बातें क्लियर हो गई। और दूसरी जगह यही चीज होती है इनवर्स वाला, ठीक, ये हो गया एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, ठीक है। तो ये अगर कम हो रहा है, सॉरी ये अगर बढ़ा हुआ है, देखो यहां से यहां देखोगे तो ये बढ़ा हुआ है, मतलब ये कम है, ठीक है, और यदि यही कम होगा तो ये बढ़ा हुआ होगा, बातें क्लियर हो रही है। ये होता है इनवर्स कर्व, इस टाइप का दिखेगा मतलब इनवर्स, और वो सीधा दिखेगा मतलब वो होता है स्ट्रेट कर्व, ठीक है, बातें क्लियर। तो इसमें जो आता है वो आता है हमारा इनवर्स कर्व। इनवर्स कर्व का मतलब ये है कि अगर अपन इस पॉइंट को देखते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर आप देख रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट आपको बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है, हम इस एक्सिस को देखेंगे ना भाई, यहाँ ऊपर देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा और उसी जगह हमें आपको दिखेगा कि वैकेंसी कम है, ठीक है, वैकेंसी जो है वो कम है। तो हमको ये चीज इसमें समझ में आया कि अगर वैकेंसियां कम होती है किसी भी जगह पे, किसी भी कंपनी में या किसी भी कंट्री में, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहता है, और यदि वैकेंसीज ज्यादा रहेंगी, इस पॉइंट को देख लीजिए, वैकेंसीज अगर ज्यादा रहेंगी, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, वो कम होगा। समझ में आ गया ये चीज, आसान था, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है, बस इतना ही जानना था। अगले टॉपिक पर अपन बढ़ते हैं, अगले कर्व पे। अगला जो कर्व है वो है हमारा एंजल कर्व, वो भी इंपॉर्टेंट ही है, जितने बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट ही है, मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट के बीच भी इंपॉर्टेंट क्या है वो भी बता दूंगा मैं आपको। दूसरी चीज अपन जो देखेंगे वो है एंजल कर्व, ठीक। अब ये किसके बीच होता है वो जानना जरूरी है, ठीक है, किसके बीच होता है ये, ये होता है हमारे इनकम जो आ रहा है एक हाउस होल्ड, मतलब एक घर की जो इनकम है, ठीक है, इनकम वर्सेस, इनकम जो आ रहा है वर्सेस एक्सपेंडिचर ऑन फूड, मतलब खाने के ऊपर में कितना खर्चा हो रहा है इनकम के हिसाब से, वो चीज हमको ये चीज दिखाता है, ये कर्व दिखाता है, ठीक है। अब वो जान लेते हैं अपने कैसे दिखाता है, तो ये हो गया आपका इस टाइप का कर्व, ठीक है। यहां पर मैं लिख लेता हूं इनकम, ये हो गया इनकम, और ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर ऑन फूड, मतलब कोई भी कमोडिटी, खाने का जो सामान है उसको अगर अपन खरीद लेते हैं तो उसके ऊपर कितना खर्चा होता है वो चीज दिखाता है हमको, ठीक है। तो इसका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब इस टाइप का कर्व बन रहा है ये तो आपके लिए थोड़ा सा नया हो गया, कुछ नहीं करना है आपको, बस पॉइंट्स प्लॉट करके देखना है, ठीक है। यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं इस टाइप का, ठीक, ये एक पॉइंट मैंने इस पे ले लिया। अब मैं इसको वाई एक्सिस पे बढ़ा देता हूं, एक्स एक्सिस बढ़ा देता हूं, ठीक। तो हमको एक चीज दिख रहा है, मान लीजिए मैंने इसको ले लिया 200 रुपए।
अगर मेरे पास 200 रुपए हैं तो मैं इतने क्वांटिटी के खाना खरीद रहा हूँ, ठीक है, बातें क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ, मान लीजिए ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ठीक है। अगर मेरे पास 200 रुपए हैं तो मैं 2 किलो सामान ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहीं पर मैं अगर लेके चलता हूँ आपको ये 500 रुपए के लिए, ठीक। अगर आपकी इनकम 500 रुपए हो जाती है तो 500 रुपए में आप कितना खरीद रहे हो, 3 से थोड़ा कम या आसपास 3 समझ लो। आपके पास 200 रुपए थी तो आप 2 किलो खरीद रहे थे, आपके पास 500 रुपए आ गया तो आप 3 किलो खरीद रहे हो। तो हमको ये कर्व क्या दिखाता है, हमको ये कर्व ये दिखाता है कि यदि इनकम बढ़ रही है तो एक लिमिट तक हम खाने की चीजें खरीदेंगे, ठीक है। अब इंसान का पेट तो उतना ही बड़ा है ना यार, पैसा ज्यादा आएगा तो खाने की चीजें ज्यादा थोड़ी खरीदेगा। इनकम बढ़ेगी तो एक लिमिट तक खाने की चीजें बढ़ाएगा और जो बाकी पैसा बच जाता है, बाकी पैसा जो बच जाता है वो अपने स्टेटस पे खर्चा करता है, ठीक है। स्टेटस बोलने से गाड़ी खरीद लेगा, अंगूठी खरीद लेगा, सोना खरीद लेगा, वो सब चीजें करता है। तो ये कर हमको वही चीज दिखाता है, ठीक है, इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर ऑन फूड। बातें क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कर्व जो अपन देखेंगे वो होता है कज़नेट्स कर्व, कर्व कज़नेट्स कर्व। यार ये पानी काफी गड़बड़ करता है, ठीक है, कज़नेट्स कर्व। अब ये किन किन चीजों के बीच में आप पूछोगे, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये भी इंपॉर्टेंट कर्व है, ठीक है, स्टार टू द पावर 50, ये इंपॉर्टेंट कर्व है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये जो हमारा कर्व होता है वो है ग्रोथ और इनइक्वालिटी के बीच में, ठीक है, किस किसके बीच में है, ग्रोथ, इनकम ग्रोथ जो या इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है उसके और इनइक्वालिटी के बीच, ठीक है। ये आपका सबसे मेन पॉइंट है, ये चीज जो रहता है ये आपको जानना जरूरी है, उसके बाद फिर हम कर समझेंगे, ठीक है, उसके बाद कर समझेंगे। ये आपने समझ लिया यहां तक, अब कर समझते हैं आगे। ठीक है, कर समझते हैं, कर्व जो बनेगा इसका, यहां पे मैंने इनइक्वालिटी ले लिया, ठीक है, यहां पे मैंने ग्रोथ ले लिया, ठीक है, ग्रोथ या जीडीपी बोलो, आपको दोनों का वही मतलब है, ठीक है, लगभग। तो इसका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, इसका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यदि इस पॉइंट को अपन लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट को अगर अपन लेते हैं तो यहां पे क्या हो रहा है कि ग्रोथ के साथ इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ग्रोथ के साथ इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ रही है। तो ये वाला केस जो होता है वो किसके में आता है, डेवलपिंग, डेवलपिंग जो कंट्रीज रहती है उनके केस में ये वाला पॉइंट आता है, ठीक है। यहां पे जो पॉइंट आप देख रहे होगे, ग्रोथ बढ़ रहा है तो इनइक्वालिटी कम हो रही है, ये आता है डेवलप्ड, जो कंट्री डेवलप हो चुकी है उनके केस में आता है, ठीक है। अब आपको जो चीज समझना है वो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। शुरुआत में यदि ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है मतलब सबसे बड़ा जो सेक्टर रहता है अराउंड 78% जो रहता है वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड का रहता है, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में किसी को फायदा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी को फायदा हो रहा है तो वो तो मालिक को हो रहा है ना, तो मालिक कितने होते हैं, ये जैसे टोटल 100 का रैंक है तो ये टॉप के 20% रहते हैं ना, ये लोग सिर्फ मालिक रहते हैं, ठीक। बाकी जो 80% बच गए वो रहते हैं वर्कर्स। बातें क्लियर हो रही है आपको यहां तक? तो ये जो पैसा है ये तो सिर्फ 20% के पास में ही गया ना, शुरुआत के टाइम जब डेवलप हो रही है कंपनी तो ये सारा पैसा तो इसी के पास गया। अब उसके बाद वो अपना उसके हाथ में पैसा आएगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगा और लोगों को काम देगा, तब तो पैसा उनके पास पहुंचेगा। जब उनके पास जो नीचे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है, वर्कर्स के पास पैसा पहुंच जाता है, तो ये वाला फेज आ जाता है, ठीक है, जहां से क्या बोलते हैं कर्व नीचे गिरता है, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई मतलब ग्रोथ और बढ़ा और ज्यादा ग्रोथ बढ़ जाएगा तो वो आ जाता है डेवलप्ड के केस में, ठीक है।
अब इसके पास जो पैसा आ रहा था वो अब नीचे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, बातें क्लियर। अब नीचे ट्रांसफर होगा मतलब सबके पास पैसा आ रहा है, सबके पास पैसा आ रहा है मतलब जो इनइक्वालिटी है वो कम हो रही है। यहां पे आपको दिख रहा होगा इनइक्वालिटी यहां पे कम हो रही है, बट स्टार्टिंग के फेज में इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है, समझ में आया यहां तक। चलिए अगला कर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है लाफर कर्व, ठीक है, लाफर कर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार टू द पावर 100, ठीक। लाफर कर्व के बारे में अपन जानते हैं कि किसके किसके बीच होता है, ये होता है टैक्स कट, मतलब जितना भी टैक्स अपन ले रहे हैं उसमें कटिंग करेंगे या टैक्स बढ़ाएंगे, वर्सेस टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, ठीक, टैक्स कट वर्सेस रेवेन्यू एक तरीके से बोल दीजिए या ग्रोथ बोल दीजिए उसको, ठीक है, बात वही होती है, जितना रेवेन्यू होगा उसी के ऊपर तो ग्रोथ होगा, ठीक है, रेवेन्यू बोल दीजिए या इसको ब्रैकेट में ग्रोथ लिख दीजिए, ठीक, बात वही होती है, जो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा आपको वही चीज देखना है, ठीक। तो अपन इसका कर्व देखते हैं, यहां अपना आ गया ग्रोथ या रेवेन्यू, यहां अपना आ गया टैक्स कट, ठीक, टैक्स कट आ गया, बातें क्लियर हो गई यहां तक, ठीक है। इसका कर्व किस टाइप का बनता है, इसका कर्व जो बनता है वो होता है इस टाइप का कर्व, ठीक है, इस टाइप का कर्व। अगर मैं एक पॉइंट पे ले लूं, ठीक है, ये मैंने ले लिया T1 पॉइंट, ये मान लो 10% ले लिया T1 को और T2 को मैंने ले लिया 20%, ठीक है। अब आप दो चीज समझना, T1 का पॉइंट अगर अपन यहां लेते हैं तो यहां पे अपने पास कुछ रेवेन्यू मिल रही होगी, ये हो गया R1 पॉइंट, ठीक, कुछ रेवेन्यू मिल रही होगी, और T2 के पास अगर अपन देखते हैं T2 के बीच भी अपने को कुछ रेवेन्यू मिलती है R2। यहां तक बात क्लियर हो गई आपकी, यहां तक बात क्लियर हो गई ना। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि अगर मैं टैक्स को 10% बढ़ा रहा हूं, ठीक, टैक्स को 10% बढ़ा रहा हूं 10 से लेके 20% तक, तो हमारी रेवेन्यू में जो इंक्रीज हो रही है बस इतनी ही हो रही है, और यदि मैं इसको टैक्स तो 0 से 10% किया तो हमारी कितनी इंक्रीज हुई थी रेवेन्यू वो देखो, ठीक है। हमको इससे ये चीज पता चलता है कि अगर अपन टैक्स रेट को बढ़ाएंगे तो अपना रेवेन्यू कम होता जाएगा। अब वो समझते हैं कि अपनी रेवेन्यू कम कैसे होगी, बात करते हैं एक कंपनी की, एक कंपनी है ए, ठीक, ए कंपनी है, अब इसने कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया या 10,000 का सामान को बेचा, ठीक, 10,000 का सामान को बेचा, अब मैंने इस पर टैक्स लगा दिया 50% टैक्स का, ठीक, 50% मतलब इसको तो 5,000 सिर्फ गवर्नमेंट को देना पड़ गया भाई, इसके हाथ में कितना बच रहा है 5,000, 5,000 में अपना घर चलाएगा कि आगे का सामान प्रोड्यूस करेगा, फंस गया ना वो, बस वही चीज होता है। अगर यही चीज को 50% से लेकर मैं इसको 5% में कर देता हूँ, ठीक है, तो इसके पास इनकम कितनी बच जाती है, ये हो गया आपका 50% में आपका सिर्फ 5,000 रुपये इसके हाथ में बच रहा है, और 5% अगर मैं कर दूंगा इसको या 10% ही कर दिया तो इसके पास 9,000 रुपये हाथ में बच रहा है, ठीक है। तो 5,000 में ये घर चलाएगा, 4,000 में आगे की प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो और लोगों को काम पे रखेगा, और लोगों को काम पे रखेगा तो उनके पास पैसा जाएगा, उनके पास पैसा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, रेवेन्यू बढ़ने वाली है इकोनॉमी की, क्योंकि जो इंसान पहले मान लो 2.5 लाख के स्लैब के नीचे आ रहा था, ठीक है, जो इंसान 2.5 लाख के स्लैब के नीचे आ रहा था, अब उसके पास ज्यादा पैसा जा रहा है तो वो स्लैब के ऊपर जाएगा ना, ये वर्कर्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मालिक के बारे में। जो वर्कर 2.5 लाख के स्लैब के नीचे आ रहा था, 10,000 में काम कर रहा था मान लो, अब उसके पास मालिक के पास ज्यादा पैसा बच रहा है, वो ज्यादा सैलरी देगा, ज्यादा काम करवाएगा, तो वो उसकी सैलरी जो है वो 20,000 हो जाएगी, तो वो इस स्लैब के ऊपर आ जाएगा, तो वो टैक्स पेयर बना, हमारी रेवेन्यू बढ़ी। तो वही चीज है कि अगर अपन टैक्स कम करते हैं, ठीक है, टैक्स को यदि अपन कम करते हैं तो इसके दो फायदे होते हैं, एक होता है सडन इमीडिएट वाला, जिसको लाफर सर ने एरिथमेटिक बोला था, ठीक है, एरिथमेटिक इफेक्ट बोला था, उसके उसमें क्या होता है अपना सडन में अगर आप देखोगे तो आपको क्या है डिक्रीज दिखेगा, ठीक है, ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज दिखेगा, ठीक। और यदि इसको आप इकोनॉमिक या लॉन्ग टर्म की बात अपन करेंगे, लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो यहां पे आपको रेवेन्यू हमेशा बढ़ा हुआ दिखेगा, समझा दिया मैंने कैसे बढ़ा हुआ दिखेगा उसको, ठीक है,
बातें क्लियर हो गई यहां तक? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो कर्व हमारे पास आता है वो है फिलिप्स कर्व, ठीक है, फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व आता है, ठीक। फिलिप्स कर्व किन किन की चीजों के बीच में होता है? ये होता है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। इन्फ्लेशन एक साइड पर रहेगा वर्सेस जितनी महंगाई चल रही है उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट ये भी जरूरी कर्व है, स्टार टू द पावर 50, ठीक, ये भी जरूरी कर्व है। अब अपन समझते हैं कैसे होगा इसका कर्व। इसका कर्व जो रहेगा वो भी रहेगा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड मतलब इस टाइप का, ठीक है, बातें क्लियर हो गई आपको। इस टाइप का कुछ सीन रहेगा इसमें, ठीक है, देख रहे हैं ना आराम से। तो यहाँ जो हो गया इन्फ्लेशन आ जाएगा एक साइड पे, दूसरे साइड पे आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। तो हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि इन्फ्लेशन अगर हाई है, इन्फ्लेशन अगर हाई है इस पॉइंट को देखेंगे तो जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो होगी कम। ऐसा क्यों होगा? लॉजिक भी समझते जाना है अपने को, सिर्फ फैक्ट नहीं देखना है। लॉजिक इसका ये है कि इन्फ्लेशन कब होता है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था इन्फ्लेशन कब होता है, जब इंसान के पास पैसा ज्यादा रहता है। पैसा तभी तो आएगा भाई जब वो काम करेगा, काम कर रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगी ज्यादा? अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तभी तो काम हो रहा है, उसके हाथ में पैसा आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। और यदि महंगाई कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा रहेगी। लॉजिक लॉजिक समझना था, मैंने लॉजिक समझा दिया आपको, और कोई जरूरत नहीं है इसमें। सो ना कोई भी क्वेश्चन आपको इसके ऊपर आएगा फूट जाएगा, ठीक, बातें क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है लॉरेंस कर्व, ठीक, लॉरेंस कर्व बहुत जरूरी कर्व है, बहुत ज्यादा जरूरी। जितना मैंने लाफर कर्व बताया था ना तो उतना ही जरूरी ये भी है लॉरेंस कर्व, ठीक है। लॉरेंस कर्व क्या क्या चीज को शो करता है, क्या चीज को शो करता है? आपको ऑप्शंस दिया रहेगा, आप सीधा खटाक से एक चीज मार करोगे। लॉरेंस कर्व जो होता है हमारा वो क्या चीज को दिखाता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कितने लोगों के पास कितना पैसा एकत्र है, इकट्ठा है, वो चीज को दिखाता है, ठीक है। इसको इनडायरेक्टली बोलेंगे तो किन चीजों के बीच में है? इनकम वर्सेस पॉपुलेशन, ठीक, समझ में आ गया। अब ये इसका ग्राफ कैसे बनता है बोलोगे आप, तो ये देख लो भाई, मैं ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूं आपको। इसका ग्राफ जो बनता है ये आ जाएगा आपका पॉपुलेशन, ये वाला आ जाएगा आपका इनकम, ठीक, बातें क्लियर हुई यहां तक? एक इनकम आ गया, एक पॉपुलेशन आ गया। इसका जो ग्राफ है ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 100, इसको मान लेता हूँ मैं 50, ठीक है, ये हो गया 0, इसको मान लिया 50, इसको मान लिया मैंने 100, ठीक। अगर इस टाइप का कुछ होगा, होना कैसे चाहिए? अगर हम सिर्फ एक इक्वल इकोनॉमी को देखते हैं ना तो उसका होना किस टाइप का चाहिए? इस टाइप का कर्व होना चाहिए, मतलब ये इक्वल कर्व है, ठीक है, ये वाला जो हो जा रहा है ये आपका इक्वल हो जा रहा है, मतलब हर आदमी के पास बराबर बराबर पैसा है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसका कर्व जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है। ये जो हो गया आपका लाफर कर्व हो गया, ठीक, ये जो हो गया आपका लाफर कर्व हो गया। इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको ये पता चलता है कि ये देखो यहां तक का अगर केस देखेंगे तो यहां से मैं नीचे लेता हूं, ये लगभग 60% आसपास हो गया पॉपुलेशन, 60% जो पॉपुलेशन है उनके पास 30% पैसा है, ठीक, ये समझ में आया आपको? 60% जो लोग हैं उनके पास मात्र 30% पैसा है।
और बाकी जो 40% बच गए उनके पास कितना ये हो गया 70% पैसा है, ठीक है। मतलब लो कैसे बताऊँ मैं आपको, यहाँ बताता हूँ, चलो ये एक लाइन है 100 की, ठीक। तो यहाँ की जो 60% पॉपुलेशन है उनके पास कितना पैसा है, मात्र 30% पैसा है, ठीक। और जो ऊपर के 40% लोग बच गए उनके पास कितना पैसा जमा है, 70% पैसा जमा है। समझ गया, समझ गए आप, इतना ज्यादा इनइक्वालिटी है। वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसके पास कितना पैसा जमा है वो चीज को दिखाता है एक इकोनॉमी या एक कंट्री में। बातें क्लियर। एक लास्ट चीज बस अपन देखेंगे, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे, ओके। लास्ट जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो भी बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, गिनी कोफिशिएंट, ठीक। इस क्वेश्चन के इस बार एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस गिनी कोफिशिएंट के, ठीक है, स्टार टू द पावर 100, ठीक। आपको इसमें कुछ नहीं जानना है, सिर्फ एक चीज आप जान के रखो, गिनी कोफिशिएंट क्या चीज को मेजर करता है, क्योंकि इसे कोई ग्राफ राफ को जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। गिनी कोफिशिएंट क्या चीज को मेजर करता है, वो मेजर करता है इनइक्वालिटी को, ठीक है। ये चीज बस आप जान के रखो, गिनी कोफिशिएंट जो रहता है वो इनइक्वालिटी इन एन इकोनॉमी इसको मेजर करता है, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें आती है कि इसका जो परसेंटाइल सिस्टम समथिंग समथिंग कुछ रहता है, इसकी जो वैल्यू रेंज करती है 0 से 1 तक रेंज करती है, ठीक है, जिसमें 0 जो रहता है वो क्या शो करता है, परफेक्टली इक्वल इकोनॉमी है, मतलब सबके पास बराबर बराबर पैसा, मैंने लाइन ऑफ इक्वालिटी दिखाया ना उस टाइप पे, ठीक है। और 1 की जो परसेंट रहती है वो शो करती है मोस्ट अनइक्वल, सबसे ज्यादा अनइक्वालिटी जहां पे है उसको शो करती है। इंडिया का क्या, तो देखिए यहाँ पे हमने समझ लिया था, ठीक है, अपने को जो चीज आना था वो था इंडिया की यहाँ पे रैंकिंग क्या है, इंडिया की जो पोजीशन है वो यहाँ पे है 0.75, इसकी जो रेटिंग है, ठीक है, 0.75 जो है वो है इंडिया की रेटिंग। तो आप देख सकते हो कि इंडिया कितना ज्यादा अनइक्वल है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मैंने मतलब आपको पढ़ा दी, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ, बस करंट अफेयर से आप लिंक करके पढ़ते रहिए, करंट अफेयर में जो आपको नया नया चीजें नया नए टॉपिक्स देखते हैं बस उसका मतलब खोज लीजिए, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सब इससे लिंक ही मिलेगा आपको, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ हर चीज आपको लिंक ही मिलेगा करंट अफेयर से। तो चलिए फिर क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैं डालूंगा उसमें आप अटेंड करिएगा, देखते हैं आप कितना अटेंड कर पाते हैं, मैं इसका आंसर जो है अगले लेक्चर में बताऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।